हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बहुत ही अरसे के बाद पबजी की वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने करेक्टर को बड़ा कर सकते हैं। नया रनिंग पावर आया इसके अंदर एक ग्लिच से। तो उसके लिए जो आपकी लॉबी होती है इसके अंदर आपको बर्फ वाली पावर यूज़ करनी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सिम्बा डेवल को सपोर्ट करें। तो ये मैंने बर्फ़ वाली पावर सेलेक्ट कर ली है और मैं सिर्फ गेम प्ले नहीं बनाता, मैं और भी बहुत सी चीज़ें करता हूँ। तो इसलिए आप अगर गेम प्ले नहीं देखना चाहते तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये बग्गी है, बग्गी के पास जाना है। तो ये जो वॉल होती है ये आपने इसके ऐसे हाइट पर चढ़ानी है। ये वैसा जो होता है वैसे वो खुली गाड़ी जो होती है ना यूज AZ, उससे आपका करेक्टर बिल्कुल सही दरमियान में आएगा, बग्गी से साइड पे आएगा। इसके बाद आपने खुद भी ऊपर जाना है और ड्राइव पे क्लिक करके बाहर निकलना है। देख सकते हैं आप कि आपका जो करेक्टर है वो उससे आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये वोट आ गया, ये एक साइड पे है जो UAZ खुली वाली होती है ना उससे बिल्कुल दरमियान में आता है। तो मैं वीडियो इसलिए नहीं पोस्ट करता कि मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये देखें आपके मैं जो करेक्टर है वो अपने टीममेट से कितना बड़ा हो चुका है। और इसे और भी हम ट्राई करते हैं और वापस से छोटा होने के लिए आपको करना ये है कि अपनी गाड़ी को जो है नीचे उतारना किसी ना किसी तरह से। और फिर ये देखिए अब दूसरी साइड पे आ गया, ये जो बिल्कुल सही दरमियान में आएगा ना वो UAZ से आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके बहुत ही बड़ा हो चुका है। टोमी गन पीछे कितनी अच्छी लग रही है, थॉमस पता नहीं क्या नाम है उसका। तो अगर आपको वापस से छोटा होना है तो आपको ये गाड़ी को उतारना होगा और इसके अंदर ड्राइव करके फिर से बाइक लेके, मैंने अभी दोबारा छोटा होना था। ये नेट आ रहा था मेरे पे तो मैं सोचा मैं इसके पास ही चला जाता हूँ। देख सकते हैं आपके वो कितना मेरा करेक्टर बड़ा हो गया है। वहाँ मेरे टिकटॉक को भी सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी आईडी है उस्मान आरिफ 527। वहाँ पे मैं टिकटॉक डालता हूँ ऐसे। तो ये गाड़ी नीचे उतर ही नहीं थी रही है। तो अब ये गाड़ी नीचे उतर, ये दासिया इसे भी हम ट्राई करते हैं। मैंने वो गाड़ी नीचे उतार के छोटा कर लिया था अपना करेक्टर, तो इसे भी हम ऊपर भेज देते हैं। पर जो सबसे सही गाड़ी है ना UAZ खुले वाली ऊपर से, उससे ये बिल्कुल सही होता है। वो मुझे मिली नहीं इस गेम प्ले में। तो इसके अंदर गैटरिंग करके और इससे भी वैसे वैसे ही आया है। देखे दीवार के अंदर भी जा सकते हैं आप इसे, ये बहुत ही काम की ट्रिक है। दीवार के अंदर भी आप घुस सकते हैं और एनिमी आपको नज़र आएंगे लेकिन आप उन्हें नज़र नहीं आएंगे। और ये देखे वो कहाँ पे चला गया, हवा में एकदम भीड़ है। तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा साइड पे हो गया वो। तो मैं दोबारा से गेट इन करके बाहर निकलता हूँ। तो ये अब दरमियान में तो आया लेकिन थोड़ा आगे आया है, आपका जो करेक्टर की जगह होती है वहाँ पे नहीं आया। तो अगर आप चाहते हैं कि ट्रिक बिल्कुल सही हो तो आपको खुले वाली गाड़ी चाहिए UAZ जो ऊपर से खुली होती है।
यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे एम है मेरा पहले था करेक्टर आपका। तो ये गाड़ी नीचे आ गई है और मैं दोबारा से इसके अंदर जाऊँगा। तो ये देख सकते हैं आप करेक्टर ठीक हो गया मेरा। तो मैं दोबारा से ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सिखाना ही ये था। तो मैं रैंक पुश थोड़ी सी कर रहा था साथ में। तो पबजी के टॉपिक पे मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, बस ऐसी थोड़ी थोड़ी। और भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें शालामार बाग का रिव्यू आप मेरे उधर देख सकते हैं चैनल में, और कितनी चीज़ें हैं जो मैं सिखाता हूँ। तो ये देखें आप, ये फिर से छोट पड़ा हो गया। तो यहाँ पर मैं दोबारा से ऊपर चढ़ा जाता हूँ। तो ये पीछे से गाड़ी आती है और ये वाला बंदा मुझे मार देगा क्योंकि मेरे पास दोनों, एक को मैंने नॉक किया और दूसरे ने एक केएम से मुझे नॉक कर दिया। तो इसी के साथ बाय बाय।